यार बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड को आरबीआई ने नवंबर 2023 में बैन कर दिया था, लेकिन अभी मई 2024 चल रहा है तो इसके अंदर आरबीआई ने इसका बैन हटा दिया है। ये बैन क्यों लगाया था और इसके पीछे का कारण क्या है और अभी ये बैन क्यों हटा दिया है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस कार्ड के अच्छी बातें और खामियां क्या है, ये कार्ड किसको लेना चाहिए, किसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, सारी बातों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आरबीआई ने बैन क्यों लगाया था। आरबीआई के हिसाब से बजाज डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो आरबीआई के हिसाब से जो भी लोन लेता है उनको की फैक्ट स्टेटमेंट मिलना चाहिए। जो की फैक्ट स्टेटमेंट होता है इसके अंदर सारी चीजें क्लियरली लिखी होती है, कितना ब्याज दर पे लोन दिया है, कितने समय के लिए दिया है और क्या अदर चार्जेस है, सब क्लियरली लिखा होता है। तो ये स्टेटमेंट जो भी लोन लेता है उनको मिलना चाहिए। तो जो बजाज फाइनेंस है वो अपने कस्टमर्स को ये नहीं दे रहा था, इसीलिए आरबीआई ने बैन लगाया था। अब बजाज ने आरबीआई को मार्च में अपील किया कि हम लोग सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज बैन हटा दीजिए। आरबीआई ने भी इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद आरबीआई ने जो बैन लगाया था उसको आरबीआई ने हटवा दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरबीआई ने बजाज के दो प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगाया था, एक था ईकॉम और दूसरा था इंस्टा ईएमआई कार्ड। इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगने के बाद बजाज के जो प्रॉफिट्स थे जो कि तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ के थे, उसमें से 4 से 5% गिरावट हमें देखने को मिली, यानी कि तकरीबन 100 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिला। चलिए देखते हैं कि ऐसा भी क्या है इन प्रोडक्ट्स में जिससे बजाज फाइनेंस 100 करोड़ का फायदा कमाता है। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा ये इंस्टा ईएमआई कार्ड काम कैसे करता है। अब मान लीजिए आप क्रोमा या फिर रिलायंस जाते हो और आप 25,000 का मोबाइल लेते हो, तो 25,000 कैश देने के बजाय बजाज आपके पास आके बोलेगा कि 25,000 का लोन ले लो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, बस इसकी 6 ईएमआई बनवा लो जो कि आती है 4,167 रुपए की। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो आपको 12 से 14% का ब्याज लगेगा जो कि देता है प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर। केस फोन की केस में ये होगा सैमसंग या फिर वन प्लस। ऐसे में 25,000 पे 12% यानी कि 1 साल में 3,000 का ब्याज और 6 महीनों में 1,500 का ब्याज, यानी कि बजाज फाइनेंस 1,500 का ब्याज कमा लेगा और आपको यानी कि कस्टमर को कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी पैसा यानी कि कुछ भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनका इंस्टा ईएमआई कार्ड काम करता है। अब सच बताओ तो कस्टमर के लिए भी ये जीरो कॉस्ट नहीं होता है। बजाज फाइनेंस आपको अलग अलग प्रकार के 8 से 10 चार्जेस लगाता है। चलिए वो देखते हैं वो क्या है। सबसे पहली है ईएमआई कार्ड नेटवर्क फी जो कि 530 रुपए की, ये वन टाइम फी होती है। दूसरा है कार्ड एक्टिवेशन फी जो कि होती है 69 रुपए की, लेकिन अगर आप कार्ड साल भर में एक बार इस्तेमाल करते हो तो इसको हटवा दिया जाता है। इसके बाद साल में आप पहली बार ईएमआई कार्ड का इस्तेमाल करके कोई चीज ले रहे हो तो आपको 99 रुपए प्लस जीएसटी की फीस लगेगी, लेकिन उसी साल अगर आप फिर से उस कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरी चीज ले रहे हो तो ये फीस आपको नहीं लगेगी, ये साल भर में एक बार ही लगेगी। उसके बाद जब भी आप लोन लेते हो तो जो बजाज फाइनेंस है वो आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। अब उसके लिए बजाज फाइनेंस आपको चार्ज करता है 46 रुपए की एक फीस आपका सिबिल स्कोर चेक करने के लिए, और जितनी बार भी आप ईएमआई लोगे उतनी बार आपको ये लगेगा। जब भी इस कार्ड को आप इस्तेमाल करोगे तो आपको एक नेट साइन करना पड़ता है, इसका मतलब आपके सेविंग अकाउंट में आप एक इंस्ट्रक्शन डाल दोगे कि जब भी मेरी ईएमआई ड्यू होगी तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाए। इसको डेबिट मैंडेट भी बोला जाता है। मैंडेट को सेट करने के लिए आपको 99 रुपए प्लस जीएसटी की एक फीस लगेगी, वो एक बार ही लगेगी, लेकिन अगर ये किसी कारणवश फेल हो जाता है तो आपको 450 रुपए प्लस जीएसटी की एक फाइन लगेगी। ये तो बात होगी उन फीस की जो आपको रूटीन में लगनी है। अब बात करते हैं अलग फीस। मान लीजिए आपने इस कार्ड को अप्लाई किया और आपको 1 लाख की लिमिट मिल गई और कुछ समय बाद आपको इस लिमिट को बढ़ाना है तो आपको लिमिट एनहांसमेंट के लिए 99 रुपए प्लस जीएसटी की एक फीस देनी पड़ेगी। अगर आप अपनी शेड्यूल ईएमआई से डिले करते हो तो आपको 50% की पेनल्टी लगेगी। अगर ये डिले नैच फेल होने के कारण होता है तो 50% की पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, उसी के साथ साथ आपको 400 रुपए प्लस जीएसटी की एक फाइन लगेगी हर बार। तो जैसे कि आपने देखा इस कार्ड को जीरो कॉस्ट बोलना तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे चार्जेस ही आपको लगाते हैं। तो बजाज फाइनेंस इस तरीके से 100 करोड़ से ज्यादा पैसा बना रहा था इन दो प्रोडक्ट्स की मदद से। आप लोग बोलोगे कि यार अगर मैं अपनी सारी पेमेंट समय पर कर दूं तो क्या मुझे भी चार्जेस लगेंगे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप अपनी सारी पेमेंट समय पर कर भी दोगे तो भी 4 ऐसे चार्जेस है जो आपको लगेंगे। सबसे पहले आपको लगेंगे वन टाइम सेटअप और इश्यूएंस फी जो कि 530 रुपए की, उसकी एक कन्वीनियंस फी 99 रुपए प्लस जीएसटी की जो कि आपको पहले ईएमआई पर लगती है। तीसरा है वन टाइम नैच मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि 99 रुपए प्लस जीएसटी। चौथा है आपको क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए 46 रुपए देने पड़ेंगे। अब देखते हैं ऐसी कुछ बातें जो कि कस्टमर्स को कार्ड लेने के बाद पता लगती है। एक तो बात हो गई हिडन चार्जेस की, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी कंप्लेंट ये है कि ये लोग क्रॉस सेल बहुत करते हैं। क्रॉस सेल करने के लिए क्योंकि इनके 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, ये डिपेंड होते हैं अपने कस्टमर बेस के ऊपर, तो क्रॉस सेल करने की परमिशन ना हम लोग खुद से ही देते हैं। चलो आपको बता दो क्या ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये हमने सीधा उनके एग्रीमेंट से उठाया, तो यही सेम लाइन बजाज अपने सारे प्रोडक्ट्स में डाल देता है। होता क्या है, आप जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो इनसे कॉल आने शुरू हो जाएंगे। मान लो आपने कोई फोन खरीदा तो इनके इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि आपको एक लाइफ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों, तो वो बोलेंगे कि अभी आपने नया फोन खरीदा है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो इसकी ईएमआई कौन भरेगी। अब ऐसे में आप भी प्रेशर में आ जाते हो और आप भी एग्री कर जाते हो। 2 दिन बाद आपको एक कॉल आएगा कि यार आपने जो फोन लिया है उसका इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि अगर कल को कुछ फोन को हो जाता है तो आप उसकी इंश्योरेंस नहीं भरोगे और खर्चा सिर्फ 100 रुपए महीने का है,
तो आप भी सोचो कि यार सिर्फ 100 रुपए की तो बात है, करवा लेते हैं। फिर 2 दिन बाद और एक कॉल आएगा कि यार आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए। तो ऐसे कॉल्स तो आते रहेंगे और आप परेशान होते रहोगे। ये सब काफी नहीं था तो काफी सारे लोगों ने ये कंप्लेन डाली है कि बजाज फाइनेंस ने जबरदस्ती हमें इंश्योरेंस या लोन बेचा है और जबरदस्ती हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। मुझे पता नहीं ये सच है या झूठ, लेकिन काफी सारे लोगों ने कंप्लेन डाली हुई है और इसी कारण से जो mouthshut.com वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत खराब रेटिंग है बजाज को, लाइक 1.8 out of 5, और ये कंप्लेंट डाली है लगभग 10,000 लोगों ने। अपनी खुद की राय देने से पहले ये देख लेते कि इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बजाज फाइनेंस की वेबसाइट पे जाना है, आपको सिंपली उसके अंदर इंस्टा EMI कार्ड में जाना है और वहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर ये आपसे OTP मांगेगा, OTP डाल के प्रोसीड करना है। अगले स्टेप में आपको अपना नाम, बर्थ ईयर, अपना पैन नंबर, पिन कोड ये सब डालना है। फिर इस डिटेल्स के हिसाब से जो बजाज फाइनेंस है वो आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल हिस्ट्री निकालेगा। आपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको एक लिमिट सैंक्शन कर दी जाएगी, जैसे कि इस केस में बजाज फाइनेंस ने 1,00,000 की लिमिट सैंक्शन कर दी। कार्ड को एक्टिवेट करने से पहले 3 चीज आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, KYC वेरिफिकेशन, फीस पेमेंट और मैंडेट अपना सेट करना पड़ेगा। KYC करने के लिए आपको प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपके आधार की डिटेल्स निकालेगा और उसके बाद आपको बस कंफर्म पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको इस कार्ड की 1 time फी भरनी पड़ेगी। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, QR कोड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप अपनी फीस भर सकते हैं। फीस को पे करने के बाद आपको बस मैंडेट को सेट करना है और उसके लिए आपको एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, यहाँ पर आपके जिस भी बैंक में सेविंग या करंट खाता है उस बैंक की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी। जैसे ही आप सारी डिटेल्स डाल के प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो क्रिएट मैंडेट का एक फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको कंफर्म करना है किसी भी पेमेंट मेथड से, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया या फिर डेबिट कार्ड हो गया। जैसे आप वेरीफाई करोगे आपका मैंडेट सेट हो जाएगा और आपका कार्ड जो है वो इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि ये कार्ड किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। अगर आप नो कॉस्ट EMI का साल भर में 3 से 4 बार इस्तेमाल करते हो, एवरेज टिकट साइज आपका 10 से 15,000 रहता है और आप अपनी सारी पेमेंट समय पर करते हो तो ये कार्ड आपको बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आप नो कॉस्ट EMI साल भर में 1 बार ही इस्तेमाल करते हो तो आपको ये कार्ड बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो चार्जेस है वही ज्यादा हो जाएंगे रादर देन द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग नो कॉस्ट EMI। तब कमेंट्स में बताओ कि आपकी क्या राय है और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।